नमस्कार, मैं डॉक्टर दिलीप कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, गेस्ट फैकल्टी, विद्याभवन, महिला कॉलेज, सिवान से। छात्रों, पिछली कक्षा में हम लोगों ने मुगलों के पतन को देखा था। आज हम लोग मुगल काल के स्थापत्य कला के बारे में पढ़ेंगे। यह बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और लगभग ड्रावर परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो आइए हम लोग मुगल काल के स्थापत्य कला के बारे में जानते हैं। मुगल काल भारत में कई इमारतों की देन मुगल काल की है और मुगल काल में शाहजहां के काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। यद्यपि मुगल स्थापत्य कला की शुरुआत बाबर के समय से ही शुरू हो गई थी। आइए अब हम लोग सबसे पहले बाबर के समय के स्थापत्य कला के बारे में जानते हैं। तो बाबर ने सर्वप्रथम काबुली मस्जिद या काबुली बाग का निर्माण करवाया था और यह जो है मुगल काल की सर्वप्रथम बनाई गई मस्जिद थी। और यह जो है काबुली बाग 1529 ईस्वी में पानीपत के नज़दीक बनाई गई थी, जो हरियाणा में है। इसके अलावा हम देखें तो बाबर प्रकृति प्रेमी था और प्रकृति से अगाध प्रेम उनको था और वो आगरा के अंदर आराम बाग का भी निर्माण करवाए थे, जिसके पहले इसका नाम नूर ए अफगान था। और सर्वप्रथम जो है यहीं आराम बाग में ही बाबर की मृत्यु के उपरांत उन्हें दफनाया गया था, लेकिन दफनाने के 4 दिन उपरांत इन्हें पुनः वहां से उनके शव को निकालकर काबुल में दफनाया गया। चूँकि उनकी वसीयत में ऐसा लिखा गया था कि उन्हें काबुल में दफनाया जाए। तो हमने यहां देखा कि बाबर के द्वारा काबुली बाग का निर्माण 1529 ईस्वी में करवाया गया था, वहीं आराम बाग का निर्माण करवाया गया था। और इसके अलावा जो है रुहेलखंड में जो संभल के नज़दीक है वहाँ पर जामी मस्जिद का भी निर्माण करवाया गया था। जामी मस्जिद उसे कहा जाता है जहाँ पर जुम्मे की नमाज़ पढ़ी जाती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि बाबर के समय में बहुत कुछ निर्माण तो नहीं हुआ था, लेकिन थोड़े बहुत स्थापत्य कला के निर्माण की शुरुआत उनके समय हो चुकी थी। अब आइए बाबर के पुत्र हुमायूं के समय स्थापत्य कला के बारे में जानते हैं। तो हुमायूं के समय जो सबसे महत्वपूर्ण स्थापत्य कला के रूप में निर्माण हुआ था वह दीन ए पनाह। इसका निर्माण किया गया था या दिल्ली के पुराने किला के पास निर्माण किया गया था और इसका निर्माण जो है 1533 ईस्वी में उनके द्वारा करवाया गया था। यहाँ पर एक पुस्तकालय भी बनाया गया था और ऐसा कहा जाता है कि जब युद्ध में भी हुमायूं जाता था तो वो पुस्तकालय उनके साथ जाता था। कहने का तात्पर्य यह है कि हुमायूं पढ़ने लिखने का काफ़ी शौकीन था। तो दीन पनाह महल का उनका निर्माण उनके द्वारा किया गया था और इसी दीन पनाह महल से गिरकर पुस्तकालय की सीढ़ियों से इनकी मृत्यु भी हो जाती है तत्पश्चात। और इस दीन पनाह महल को जो है विश्व की शरण स्थली भी कहा जाता है या और इसे दिल्ली का पुराना किला के भी नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं हुमायूं के समय में दीन पनाह जो महल है वह एक उनकी महत्वपूर्ण निर्माण थी। इसके अलावा जो है फतेहाबाद हिसार में उनके द्वारा जामी मस्जिद का भी निर्माण करवाया गया था। अब आइए शेर शाह के समय निर्माण को देखते हैं। शेर शाह अफगान शासक था, लेकिन इनका भी बीच में काल आता है, इनके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। शेर शाह दिल्ली के पास पुराना किला के पास किला ए कोहना का निर्माण किया गया था। इसके अलावा शेर शाह जो है अपना मकबरा सासाराम में एक तालाब के बीचों बीच में ये बनाया गया है। काफ़ी अति सुंदर ये उनका मकबरा सासाराम बिहार में बनाया गया है। इसके अलावा वहाँ पर जो है सासाराम का किला भी उनके द्वारा बनाया गया है। तो ये कुछ निर्माण जो है ये शेर शाह के द्वारा करवाया गया था।
जो महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अब हम आइए देखते हैं हुमायूं के मकबरे के बारे में। ये अकबर के शासनकाल में इसका निर्माण करवाया गया था, यद्यपि अकबर के द्वारा इनका निर्माण नहीं करवाया गया था, यह अकबर के काल में करवाया गया था। तो हुमायूं का मकबरा जो है अकबर की सौतेली माँ अर्थात हुमायूं की पत्नी बेगा बेगम, जिसे हाजी बेगम भी कहा जाता है, उसके द्वारा निर्माण करवाया गया था। और यह निर्माण जो है मिर्जा मीरक ग्यास बेग की देखरेख में करवाया गया था, जो निजामुद्दीन औलिया के दरगाह के सामने बनाया गया है। तो हुमायूं का मकबरा जो है निजामुद्दीन औलिया के दरगाह के सामने बनाया गया है और यह दिल्ली में है। इसे ताजमहल का पुरोगामी भी कहा जाता है। कहने का मतलब है कि ये ताजमहल जैसा लगता है और उसी जैसा बना हुआ है, तो इसीलिए इसे ताजमहल का पुरोगामी भी कहा जाता है। इसके साथ ही हुमायूं का मकबरा जो है उसे मुग़लों का शाही कब्रिस्तान भी कहा जाता है। मुग़लों का शाही कब्रिस्तान इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर कई शाही मुग़ल शाही वंश के लोगों को दफनाया गया था, उनका कब्र यहाँ बना हुआ है विभिन्न राजघराने का, जैसे बेगा बेगम, हमीदा बानो बेगम और जहांदर शाह इत्यादि का जो है मकबरा वहाँ पर हुमायूं के मकबरा के समीप ही बना हुआ है, इसीलिए इसे शाही कब्रिस्तान भी कहा जाता है। और इसमें हम देखते हैं कि छोटे तौर पर संगमरमर का प्रयोग पहली बार इसमें किया गया था। तो छोटे तौर पर यहाँ पर हुमायूं के मकबरा में संगमरमर का भी प्रयोग किया गया था। इसके अलावा जो है यहाँ पर दोहरा गुंबद भी बनाया गया था इसके मकबरे में, और इसकी दीवार जो है लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया था। और शैली की बात किया जाए तो ये पंचतन शैली से, हुमायूं का मकबरा जो है पंचतन शैली से बनाया गया था। और हुमायूं के मकबरे के चारों ओर एक अच्छा सा बाग लगा हुआ है और इसकी सुंदरता की वजह से ही भारत में यूनेस्को के द्वारा यह जो है 2007 में विश्व धरोहर के रूप में शामिल किया गया है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हुमायूं का मकबरा जो है 2007 में विश्व धरोहर के रूप में यूनेस्को के द्वारा शामिल किया गया है। और वर्तमान में यूं कहा जाए कि दिल्ली में जो निर्माण की गई भवनें हैं, जो स्थापत्य कले के नमूने हैं, उनमें से एक खूबसूरत नमूनों के रूप में हुमायूं का मकबरा गिना जाता है। और यदि इसमें शैली की बात की जाए तो इसमें विभिन्न शैलियों का मिश्रण हमें देखने को मिलता है। इसमें फारसी शैली, हिंदू शैली और तुर्की शैली का समावेशन हुमायूं के मकबरा में मिलता है। तो इस प्रकार से यह हुमायूं का मकबरा जो है यह काफ़ी सुंदर और काफ़ी भव्य बना हुआ है और एक महत्वपूर्ण कृति है, जिसे यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर के रूप में 2007 में प्रदान किया गया, विश्व धरोहर के रूप में प्रदान किया गया, और यह अकबर के काल का है। अब आइए हम देखते हैं कि अकबर के काल में क्या कुछ निर्माण हुआ। तो अकबर के काल में जैसा हम पहले ही देख चुके हैं कि काफ़ी अकबर के काल में काफ़ी कुछ प्रगति हुई थी। तो अकबर काल में बहुत कुछ निर्माण किया गया था। स्थापत्य कला में एक महत्वपूर्ण निर्माण जो है अकबर के समय में किया गया था। उनके समय महत्वपूर्ण जो निर्माण हुआ था उनमें आगरा का किला का निर्माण, लाहौर का किला का निर्माण, इलाहाबाद के किला का निर्माण और इसके साथ ही ताजमहल जो का जीर्णोद्धार भी उनके द्वारा करवाया गया था। और अब आइए हम देखते हैं तो राजस्थान में जो है अजमेर में मैगजीन का किला, जिसे अकबर का किला भी कहा जाता है, उसका भी निर्माण उनके द्वारा करवाया गया था। क्योंकि जब भी राजस्थान जाता था या दक्षिण विजय की ओर जाता था तो अकबर जो है वहीं पर मैगजीन के किले या अकबर का किला जिसे कहा जाता है वहीं पर वह रुकता था और वहीं से वह
अभियान चलाया जाता है। मैगजीन इसलिए कहा जाता है, मैगजीन जिसमें गोली या बारूद भरा जाता है उसको मैगजीन कहा जाता है। तो उनके द्वारा यह अजमेर में मैगजीन का किला या अकबर का किला भी बनाया गया था। इसके अलावा जो है फतेहपुर सिकरी में इनके द्वारा कई निर्माण कार्य करवाया गया था। वहाँ पर अबुल फजल का मकबरा, जोधाबाई का महल और इत्यादि बनाया गया था। इसके अलावा जो है फतेहपुर सिकरी में दीवाने आम, दीवाने खास और पंचमहल का निर्माण करवाया गया था। साथ ही फतेहपुर सिकरी में ही उनके द्वारा इबादत खाना का भी निर्माण करवाया गया था। इसके अलावा गुजरात विजय के उपलक्ष्य में इनके द्वारा बुलंद दरवाजे का भी निर्माण करवाया गया था, जो लगभग 30 वर्षों में निर्माण हुआ था। बुलंद दरवाज़ा इतना यह बड़ा और बुलंद दरवाज़ा मतलब भव्य दरवाज़ा बनाया गया था गुजरात विजय के उपलब्ध में। 1572 ईस्वी में इसका निर्माण शुरू हुआ था और 1602 ईस्वी में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण खत्म हुआ था। और इसके अलावा जो है अकबर के द्वारा शेख सलीम चिश्ती का भी मकबरा बनाया गया था। इसके अलावा अब्दुल रहीम खाना खान का भी मकबरा उनके द्वारा दिल्ली में बनाया गया है। और यदि अकबर के मकबरे की बात किया जाए तो यह सिकंदरा में है और यह गुंबद विहीन है और जिसे जहांगीर के द्वारा बनाया गया है। जैसा पूर्व में ही हम लोगों ने पढ़ा है कि अकबर ने कहा था कि मेरे जो कब्र हो या मजार हो उस पर कोई गुंबद नहीं बनाया जाए, तो उनका जो ये मजार है या कब्र है जो वह गुंबद विहीन है, जिसका निर्माण जो है सिकंदरा जो आगरा के पास है जहांगीर के द्वारा करवाया गया था। तो जहांगीर के भी अब निर्माण के बारे में हम लोग जानते हैं। जहांगीर का निर्माण हम देख ही चुके हैं कि अकबर का मकबरा सिकंदरा में उनके द्वारा बनाया गया। इसके अलावा जहांगीर के द्वारा जो है विभिन्न बाग बगीचे का निर्माण करवाया गया। ये जहांगीर जो है बाग बगीचे लगाने का शौकीन थे और शालीमार बाग जो श्रीनगर में है इनके द्वारा निर्माण करवाया गया था। इसके अलावा एक बड़ी ही महत्वपूर्ण निर्माण जहांगीर के द्वारा करवाया गया था, जो नूर जहां के पिता अथवा अपने ससुर के एतमादुद्दौला का मकबरा बनाया गया था। यह एतमादुद्दौला का मकबरा जो है आगरा में बनाया गया था और यह नूर जहां और जहांगीर के द्वारा बनाया गया था। और इसमें जो हम देखते हैं एतमादुद्दौला का मकबरा, उसमें पहली बार जो है भारी मात्रा में बेदाग संगमरमर का प्रयोग किया गया था, जिसमें किसी प्रकार का भी संगमरमर में दाग नहीं है। उस प्रकार के संगमरमर का निर्माण जो है उस संगमरमर से इनको बनाया गया था एतमादुद्दौला का मकबरा को। और इसमें पितृदूरा का भी प्रयोग किया गया था। पितृदूरा तकनीक उसे कहा जाता है जो दीवालों पर रंग बिरंगे फूल पत्तियों से नक्काशीदार कर सजाया जाता है, उसे पितृदूरा कहा जाता है। तो पितृदूरा तकनीक से जो है एतमादुद्दौला के मकबरा को भी सजाया गया था और भारी मात्रा में इसमें बेदाग संगमरमर का प्रयोग किया गया था। यद्यपि हम देखें पितृदूरा तकनीक की बात की जाए तो पहली बार पितृदूरा तकनीक का प्रयोग भारत में उदयपुर के गोलमंडल में किया गया था। इस तकनीक का इस्तेमाल पितृदूरा तकनीक का। अब आइए और भी हम देखते हैं जहांगीर के समय क्या कुछ बना। तो जहांगीर के समय में जो है अजमेर के अन्ना सागर के पास दौलत बाग के नाम से भी एक बाग उनके द्वारा बनाया गया था, जो अभी सुभाष पार्क के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा जो है चार बाग शैली, जो हुमायूं का जहां मकबरा स्थित है, तो ये चार बाग शैली जो जहां पर हुमायूं का मकबरा है वह नूर जहां के कहने पर जहांगीर का मकबरा जो है लाहौर में बनाया गया था। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से जो है कई बाग का
निर्माण जो है जहांगीर के द्वारा करवाया गया था, और उनके समय जो एक महत्वपूर्ण निर्माण स्थापत्य कला के रूप में एक भव्य कीर्ति जो बनाई गई थी वो एतमादउद्दौला का मकबरा था। अब आइए हम लोग देखते हैं शाहजहाँ के काल में, मुगल काल में क्या स्थापत्य कला का निर्माण हुआ। जैसा हम जानते हैं कि शाहजहाँ का काल जो है मुगल काल में स्थापत्य कला के रूप में स्वर्ण काल के रूप में गिना जाता है। चूँकि शाहजहाँ का ही काल है जहाँ जिस समय एक से एक भव्य स्थापत्य कला के रूप में भवनों का निर्माण किया गया था, उसमें जो अमर कीर्ति है, सबसे महत्वपूर्ण कीर्ति है, वह ताजमहल है, जिसे मुमताज महल भी कहा जाता है। यह मुमताज महल या ताजमहल का निर्माण जो है शाहजहाँ ने अर्जुमंद बानो बेगम के आद में किया था, जिसे मुमताज महल भी कहा जाता है। मुमताज भी को उपाधि, जिसकी भी मुमताज की भी उपाधि जिसे दी गई थी अर्जुमंद बन बानो बेगम को। और इसका निर्माण जो है 1631 ईस्वी में शुरू हुआ और 22 वर्षों में इसका निर्माण जो है पूरा हुआ। यानी कि 1631 ईस्वी जब अर्जुमंद बन बानो बेगम, जिसे मुमताज भी कहा जाता है, कि मृत्यु जब हो गई थी अपनी 14वें संतान के जन्म देते समय, तो उस समय ही 1631 ईस्वी में इसका निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया था और 1653 ईस्वी में पूरा इसका निर्माण ताजमहल का पूरा होता है। अर्थात 22 वर्ष इसमें लगे। और इसमें जो राशि खर्च की गई, एक बड़ी राशि इसमें ताजमहल के निर्माण में की गई थी, 9 करोड़ की राशि इसमें कुल खर्च उस समय आए थे। आप अनुमान लगाएं कि 9 करोड़ की राशि 1631 ईस्वी में के लगभग भी यह जो खर्च आई थी, अभी वर्तमान में कितना यह खर्च हो सकता है। तो एक बड़ी राशि उस समय खर्च, 9 करोड़ की राशि इस ताजमहल के बनाने में की गई थी। और इसमें जो संगमरमर लाए गए थे वो विभिन्न हिस्सों से, मकराना, नागौर, राजस्थान से लाया गया था और उसमें लगाया गया था। और इसके जो वास्तुकार थे वह उस्ताद अहमद लाहौरी थे, जिसे शाहजहाँ ने नादिर उल असरार की भी उपाधि प्रदान की है। तो इसके मुख्य वास्तुकार जो थे उस्ताद अहमद लाहौरी थे। और इसके मुख्य प्रमुख कारीगर जो थे इंसा खां थे, इंसा खां। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से एक भव्य ताजमहल का निर्माण 22 वर्षों में और 9 करोड़ की राशि खर्च करके मुमताज महल के याद में, मुमताज की याद में जिसे अर्जुमंद बन बानो बेगम भी कहा जाता है, शाहजहाँ ने अपनी पत्नी के याद में बनाया था। हॉवेल ने इसे भारतीय नारी का साकार प्रतिमा इस संगमरमर को बताया है। और यह जो है यमुना नदी के किनारे बना हुआ है। इसके अलावा जो है दिल्ली के यमुना नदी के किनारे जो है वह शाहजहानाबाद नगर का भी निर्माण शाहजहाँ के द्वारा कराया गया था। इसके बाद एक और भव्य कीर्ति जो है स्थापत्य किला का, भव्य महल जो उनके द्वारा बनाया गया शाहजहाँ के द्वारा, वह है लाल किला का निर्माण। लाल किला का निर्माण जो है वह लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया था इसकी दीवारों को। तो यह निर्माण जो है शाहजहाँ के द्वारा करवाया गया था। और इसका पश्चिमी दरवाज़ा जो है लाहौरी दरवाज़ा और दक्षिण दरवाज़ा जो है दिल्ली दरवाज़ा के नाम से कहा जाता है, उसको पुकारा जाता है। शाहजहाँ द्वारा जो है लाल किला में दीवाने आम और दीवाने खास का भी निर्माण करवाया गया था। और इसकी लाल किले की भी खूबसूरती देखने में काफ़ी अच्छी है। और इनके जो निर्माण है, ताजमहल, लाल किला इत्यादि, इतनी भव्य कीर्ति है, इतनी प्रसिद्ध कीर्ति है कि लाखों लाख की संख्या में दुनिया भर से पर्यटक इसे देखने के लिए प्रतिवर्ष भारत में आते हैं। और लाल किला में जो दीवाने खास बनाई गई थी शाहजहाँ के द्वारा, और इसके जो
खूबसूरती थी, इतनी अच्छी खूबसूरती थी, इसकी खूबसूरती के कारण ही शाहजहाँ ने अमीर खुसरो द्वारा लिखा गया पंक्ति, जो अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था, जिसे तोता-ए-हिंद भी कहा जाता है, उनकी द्वारा लिखी गई ये पंक्ति, गर फिरदोस रूमिनस्त आमियास्त आमियास्त आमियास्त, अर्थात दीवाने खास के लिए शाहजहाँ ने जो पंक्ति लिखा है, जो कहा है कि दुनिया में कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। तो इतना भव्य उनका लाल किला में बनाया गया दीवाने खास था। इसके अलावा जो है शाहजहाँ के द्वारा लाल किला के ही बगल में जामा मस्जिद का भी निर्माण करवाया गया था, और यह जो जामा मस्जिद का निर्माण करवाया गया था शाहजहाँ के द्वारा, यह भारत का सबसे बड़ा मस्जिद के रूप में गिना जाता है, के रूप में माना जाता है। इसके अलावा जो है मोती मस्जिद का भी निर्माण शाहजहाँ के द्वारा लाहौर में किया गया था। इसके अलावा उसके द्वारा एक और भी जामा मस्जिद का निर्माण करवाया गया था, वह आगरा में था। तो आगरा का भी जामा मस्जिद का भी निर्माण शाहजहाँ के द्वारा करवाया गया था। शाहजहाँ की पुत्री जहानारा के द्वारा करवाया गया था। आगरा में जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहाँ की पुत्री जहानारा के द्वारा करवाया गया था, और दिल्ली के जो जामा मस्जिद का निर्माण था वह खुद शाहजहाँ ने निर्माण करवाया था, जो भारत का सबसे बड़ा मस्जिद है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि बहुत सारे एक से एक बड़े भव्य और सुंदर भवनों का निर्माण शाहजहाँ के द्वारा करवाया गया था। यही वजह है कि उनके काल को स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से कौन से स्वर्ण काल कहा जाता है। अब आइए हम लोग उसके बाद औरंगजेब के काल को देखते हैं। तो औरंगजेब के काल में कुछ खास जो है निर्माण नहीं हुआ, लेकिन कुछ निर्माण इनके काल में जो हुआ वह इस प्रकार से है। औरंगजेब ने बीबी का मकबरा जो बनाया था वह औरंगाबाद में महाराष्ट्र में जो है उसका निर्माण करवाया था, और इस बीबी का मकबरा अपनी पत्नी का मकबरा उन्होंने बनवाया था, जिसे बीबी का मकबरा भी कहा जाता है, जिसे ताजमहल का फूहड़ नकल भी कहा जाता है।